खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने और बिलखसूस अगर आप असम्बली की बात करें तो हमने और अपोजिशन ने मिलकर एक ऐसी फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की है पिछले 3 सालों में कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो। उसी सिलसिले में हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो मुश्ताक गनी साहब हैं उन्होंने मिलकर अपोजिशन के साथ बारहा जो हमारी रिवायात है उसके तहत हमने उनके साथ बातें की कि हम जितना इस बजट को स्मूथली चलाएं उतना हमारे सूबे की रिवायात की भी वो पासदारी होगी, साथ ही साथ जो है ओवरऑल इमेज भी हमारी असम्बली का हमारे लोगों का अच्छा जाएगा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अपोजिशन का और जो इसके ऊपर बहस होगी हमने उनको ये कायल किया है कि अपोजिशन की जो पॉजिटिव फीडबैक है, सजेशंस हैं, हम उनको पॉजिटिवली लेंगे और जहाँ पे उनको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्रिटिसिज्म है तो उनको भी बड़ा कंस्ट्रक्टिवली हम लेकर उनको कन्विंस करेंगे। तो ये हमारी उनके साथ कमिटमेंट हुई है। 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद हमने हमेशा पिछले 3 सालों में अगर आप देख लें तो अपोजिशन को अपने साथ चलाया है, उनके जायज़ डिमांड्स को हमने रखा है और कभी उनको अपोजिशन की नज़र से नहीं देखा बल्कि एक उस तरीके से हमने उनको साथ चलाया है कि तरक्याती बजट में भी उनके इलाकों की बाकायदा शेयर्स हों। साथ ही साथ हमने उनको ड्यू वेटेज दी है, उनकी बातों को हमने पॉजिटिव लिया है, उनकी क्रिटिसिज्म को हमने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है। PSDP में हमारी इस दफ़ा बहुत बड़ी एलोकेशन है। हमने वो अपने बजट में आपने देखा कि हमने वो नहीं रिफ्लेक्ट की, लेकिन हालांकि हमें करनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने हम ये क्लेम करते हैं, हम ये दावा करते हैं कि नए पाकिस्तान की बुनियाद खैबर पख्तूनख्वा से डली है तो उनकी खुसूसी तवज्जो भी है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, यहाँ की लीडरशिप के ऊपर, वज़ीर आला महमूद ख़ान के ऊपर उनका ट्रस्ट है। तो खैबर पख्तूनख्वा के PSDP के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स इस दफ़ा एलोकेट हुए हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और ओवर द पीरियड इसमें इंशाल्लाह मज़ीद प्रोजेक्ट्स ऐड होंगे।